हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग DSSB TGT मैथ्स मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पेपर था 2018 का, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, अभी तक इसके पहले हम लोग जब 5 लेक्चर अपलोड मैं कर चुका हूँ जो है इस पे। आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाके जो है उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सिर्फ सॉल्यूशन ना होके बल्कि आपको ये बताते हैं कि पैटर्न क्या होने वाला है। DSSB का जो TGT के पेपर होने वाले हैं उसका पैटर्न कैसा होगा, इस बारे में अच्छी जानकारी आपको लेनी है तो प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन जरूर आपको जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अदर स्टेट के अगर आप हैं जो है, या KVS की NBS की तैयारी कर रहे हैं आप, जो अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग जो है DSSB TGT और PGT मैथ्स के लिए जो है ऑलरेडी जो फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्सेज चला रहे हैं, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो 8128618579 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो है व्हाट्सएप करके जो है कुछ जो भी आपकी इंक्वायरी है उसको करके जो है आप जो है उस कोर्स में जो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और ये मेरी वेबसाइट है www.aayushmanclasses है ना, aayushmanclasses.com। तो आपको जब भी जो है, जब भी आपको एडमिशन लेना होगा तो इस पे आपको जाना होगा और यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फी का पेमेंट करके जो है आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो दो तरीके कोर्सेज हैं, एक फाउंडेशन कोर्स है जिसकी वैधता 6 महीने की होती है और क्रैश कोर्स है जिसकी वैधता 2 महीने की है। और इन कोर्सेज में हम लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो है कंप्लीट PDF, मतलब जो असाइनमेंट होते हैं विद सॉल्यूशन उनका PDF और जो टेस्ट सीरीज होगा उसका भी PDF विद सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपकी तैयारी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये जो है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इस पे। ठीक है, अब हम आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर 26, वो है हमारा जो कंटिन्यूटी से संबंधित है। द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, 3x इज डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बिकॉज। अब देखिए, कंटिन्यूअस किसी फंक्शन के ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या तो उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट न करती हो, या तो उसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट न करती हो, अगर दोनों एग्जिस्ट करते हो तो बराबर ना आते हो, और अगर दोनों बराबर भी आ गए तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना आते हो, ये सारी संभावनाएं हैं किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की। ठीक है, तो पहला है तो बात यही है, ये कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0+, 0+ का मतलब राइट हैंड लिमिट कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइए हम राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0+ f ऑफ x को लिखा जाता है, देखिए इसको राइट लिमिट अगर आपको कैलकुलेट नहीं है करने आता है तो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं विदिन 30 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन कैंडिडेट को भी बता देता हूँ जिनको राइट हैंड लिमिट अगर निकालना नहीं आता तो आज समझ लेंगे वो। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0+h। जब भी 0 पे हमें अप्रोच करना है, और 0 प्लस मतलब राइट से अप्रोच करना है, तो राइट से अप्रोच करने का तरीका होगा x इज इक्वल टू 0+h पुट कर देंगे। जब हमारा x 0 की तरफ टेंड करेगा तो हमारा जो h होगा वो कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, h टेंडिंग टू 0 में, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ x यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले, 0+h, मतलब हम क्या रखने वाले, f ऑफ h, जहाँ पे h हमारा क्या, h इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और f ऑफ h करेंगे तो कितना आ जाएगा, फंक्शन में रखिए f ऑफ x, यहाँ पे h रख दीजिए, तो मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3h स्क्वायर माइनस 5h। ठीक है, अब देखिए ये h हमारी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड ऑफ h कैसा आ जाएगा, h आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, h कॉमन कर लेंगे तो 3h और माइनस क्या बचेगा, 5, यहाँ से h कट गया। अब 0 अगर हम पुट कर दें तो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, -1/5। तो हमारे जो राइट हैंड लिमिट है वो कहा आ गई -1/5, इन्होंने कहा था कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक, फिर ये कहना है कि लिमिट f टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है, जब LHL और RHL बराबर नहीं होते, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होते हैं तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड लिमिट तो हमने निकाल लिया, चले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, इसको हम लोग क्या रखेंगे, हमारे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब की बार x यहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और मॉड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मॉड में माइनस h और डिवाइडेड बाई, और जहां पे हमारा x है वहां पे क्या लिखने वाले हैं, 3 x स्क्वायर का मतलब माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर, और माइनस 5 और x यहां पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, माइनस h रखने वाले हैं। ठीक,
तो ये तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो, आपको मालूम है मॉड से बाहर जो पॉजिटिव चीज ही आती है, एच हो गया, यहाँ से कितना हो गया थ्री एच स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस फाइव एच, एच कॉमन ले ले तो यहाँ से कितना आ जाएगा थ्री एच प्लस फाइव हो जाएगा, ये एच एच कैंसिल, एच इज इक्वल टू जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा वन बाई फाइव आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने तो इसका मतलब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ये देखिए यहाँ पे कह रहा थर्ड ऑप्शन लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत हो गया पहले। ठीक, अगली बात हम कह रहे हैं कि हमारा जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट ये कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन बाई फाइव आ रही है, राइट हैंड लिमिट वन बाई फाइव आ रही है, क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये बात हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम तो हमारा ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया ऑलरेडी जो है। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने कहा है हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो पहली बात लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं, ये न देने का मतलब ये है ना, पहले तो ये बता रहे हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये अब जीरो बराबर नहीं आती है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू इनफिनिटी देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर व्हाट। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऊपर जो है अगर न्यूमरेटर में हाइएस्ट अगर न्यूमरेटर में जो हमारी पॉलीनोमियल है अगर उसकी डिग्री ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में जो है मान लिया डिग्री हमारी कम है, मान लिया ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दो डिग्री का पॉलीनोमियल है, नीचे एक्स प्लस टू है, अगर इसके हम लिमिट निकाले ना, अगर इस पे हम लिमिट लगा दें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब ऊपर वाली पावर नीचे से ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से ये लिमिट कहाँ की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और अगर ऊपर भी पावर सेम हो अगर नीचे भी पावर सेम हो, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, मान लीजिए इसकी लिमिट मुझे निकालनी है, ये भी लीनियर पॉलीनोमियल ये भी लीनियर पॉलीनोमियल, इसका आंसर क्या आता है, फाइनाइट आता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाले जो जो पॉलीनोमियल लिखा है इसकी डिग्री नीचे वाले से ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ की तरफ टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और अगर ये दोनों की डिग्री जब बराबर हो गई, ठीक है, तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, कितना वैल्यू देगा, यहाँ से एक्स कॉमन कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा वन प्लस फाइव बाई एक्स, यहाँ से भी एक्स कॉमन कर लीजिए ये कितना दे देगा वन प्लस टू बाई एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब इन्फिनिटी लगाते हैं वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक, तो अगर डिग्री बराबर रही तो आंसर फाइनाइट आने वाला है, ऊपर वाला पावर नीचे वाला से ज्यादा हो गया आंसर इन्फिनिटी आने वाला है, और नीचे वाला पावर ऊपर वाले से ज्यादा हो गया तो आंसर जीरो आने वाला है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बेस्ट है। आइए हम देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी भीतर वाली चीज को सिंप्लीफाई करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ट्वाइस बी एक्स माइनस थ्री ए एक्स और माइनस थ्री बी। ठीक है, ये मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, डिवाइडेड बाई कितना टू एक्स प्लस थ्री। ठीक, और ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से इसको अरेंज करिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर मैं कॉमन कर लेता हूं, ठीक है ना, माइनस ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा वन माइनस टू ए, ये कॉन्स्टेंट वाले को कौन कौन से हैं, माइनस टू बी एक्स माइनस थ्री ए एक्स, माइनस एक्स कॉमन कर लेता हूं तो थ्री ए प्लस टू बी आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, फाइव है और यहां पे माइनस थ्री बी है, तो फाइव माइनस थ्री बी और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना आ गया इन्फिनिटी। अब देखिए ऊपर हमारा दो डिग्री का पॉलीनोमियल है और नीचे जो है लीनियर पॉलीनोमियल है, इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो कब आएगा, जब ये चीज जीरो नहीं होगी तभी तो होगा ना, अगर ये चीज जीरो हो गई मतलब अगर एक्स स्क्वायर गायब हो गया तब तो ये एक डिग्री का पॉलीनोमियल हो जाएगा, ये भी एक डिग्री का हो जाएगा, तब तो आंसर फाइनाइट आएगा, तो अगर आंसर को इनफाइनाइट आना है इसका मतलब वन माइनस टू ए को जीरो नहीं होना चाहिए, वन माइनस टू ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन बाई टू, ए की वैल्यू वन बाई टू नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू वन बाई टू ना होने के साथ साथ दो ऑप्शन है, तो तीसरा और चौथा तो इलिमिनेट हो गया, और ए इज नॉट इक्वल टू वन बाई टू दो ऑप्शन है। अब बताना कि बी की वैल्यू क्या इफेक्ट डालेगी इस पे, और देखिए बी की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, बी की वैल्यू का कोई भी रोल नहीं है,
क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा कुछ भी हो जाए, रियल नंबर हो जाए या ना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए यहाँ पे, लेकिन अब ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या बन चुका है, ये इन्फिनिटी आंसर आना है, इन्फिनिटी में हम कोई भी चीज़ ऐड करने वाले हैं तो मैटर नहीं करने वाला है। इसका मतलब बी की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो रियल नंबर आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू 1/2 और बी की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो है ये लिमिट कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू का इसमें कोई रोल नहीं है, है ना, बी की वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बी आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता, कुछ भी ले लीजिए, कोई रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 28, द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई विल बी व्हाट। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है ना, किसका, इस फंक्शन का आपको जो है क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और एक कंडीशन दे रखी है कि जो आप इंटीग्रेशन करने से कैपिटल एफ एक्स फंक्शन आने वाला है वो ई पे वैल्यू क्या देने वाला है, ई देने वाला है। आपको बताना है कि ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, चलिए। तो इंटीग्रेशन से जो आने वाला है वो क्या आने वाला, कैपिटल एफ एक्स आने वाला है। किसके इंटीग्रेशन से, 1/log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस dx इसका इंटीग्रेशन, और प्लस क्या आने वाला है, log ऑफ x इंटू dx। देखिए हम क्या करेंगे ना, हम इस फंक्शन को अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, वन को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला एक बार आपको याद करवा दें, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यू इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का क्या इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा है होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलिए मैं लगाता हूँ, इसमें हमने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, वन को सेकंड फंक्शन लिया, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वन अपॉन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी वहां से डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिया गया है। तो वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स इसको रहने देते हैं प्लस। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन है, log ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, तो एक्स log ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट log x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/log x, और log x को फिर से चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और पूरे का क्या, dx। तो ये x से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या बचता है अगले स्टेप में हमारे पास बचेगा कि 1 अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर dx और प्लस x ऑफ log ऑफ x, ठीक है, और माइनस 1/log x का 1/log x इंटू कितना dx। फिर से हम 1 को सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, 1/log x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन, तो कितना हो जाएगा, 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर dx प्लस x log ऑफ log x, इसमें कुछ नहीं करना है, माइनस। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन 1/log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट, तो 1/x का कितना हो जाएगा, -1/x², ठीक है, और log x का कितना हो जाएगा, 1/x, और इंटू 1 का कितना हो जाएगा, x, और कितना, dx। तो ये यस इस x से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस x log ऑफ log x, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, ये 1/log x, है ना, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/log x, -1/log x इंटू कितना, x, और प्लस, ठीक है, प्लस यहां से कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, 1/x का कितना हो जाएगा, तो -1/x² हुआ था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, हाँ, तो हमारे पास कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये कितना आ जाएगा, 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर dx, और प्लस क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए ये टर्म इस टर्म से हमारा कट जाएगा, इसीलिए हमने इसको कभी साल्व नहीं किया था।
अब हमारे पास क्या बच गया, x log of log x minus x by log x और प्लस ये माइनस c बचा, ठीक है। c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि f of e is equal to e दे रखा है, मतलब x is equal to e पुट करिए, तो x is equal to e पुट करेंगे log e base c कितना हो गया 1 और log 1 कितना हो गया 0, मतलब कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कितना हो जाएगा log e base c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x रखें कितना हो जाएगा e, तो ये हो गया माइनस e, ठीक है। और इधर कितना दिया हुआ है e, माइनस e माइनस e कितना होगा 2e, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2e आ जाएगी, हम चाहते हैं हम c की वैल्यू 2e पुट कर दें, तो ये हमारा कैपिटल क्या आ गया, कैपिटल f ऑफ e आ गया, कितना आ जाएगा हमारा x log ऑफ log x माइनस x 1 अपॉन log x प्लस 2e, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, इक्वेशन कौन सा है 31x plus 124y is equal to k हैज इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने आपको इसके लिए थ्योरी, इस पे एक और क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया, इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि ax plus by is equal to c का इंटीजर सॉल्यूशन तब आएगा, इंटीजर सॉल्यूशन समझ रहे हैं ना, मतलब x और y की वैल्यू इंटीजर्स हो, इंटीजर सॉल्यूशन कब आता है, ठीक है, इसका इंटीजर सॉल्यूशन तब आता है जब जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका ए और बी का ये डिवाइड करता हो किसको सी को, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है 31x plus 124y is equal to k, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जीसीडी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका 31 और 124 का, तो देखिए 31 तो प्राइम नंबर है, 31 और 124 का 31 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 31 का डिवाइजर कौन कौन है 1 और 31, और 124 का डिवाइजर कौन कौन सा होगा, ठीक है, इसका डिवाइजर कौन होगा 1 होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, और कौन सा होगा 31 भी इसका डिवाइजर होगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा 31 होगा, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा 31। अब मुझे k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, देखिए राइट में k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि 31 से क्या हो, डिविजिबल हो, बस आपको चेक करना है इसमें से कौन सा नंबर 31 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए तो क्या 134 31 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, 134 को आप 31 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 4 1 4 और 4 3 124 10 रिमाइंडर बच जाएगा, डिविजिबल नहीं है। अगर 155 की बात करें तो क्या 155 31 से डिविजिबल है, अगर देखते हैं 5 टाइम्स में यस ये डिविजिबल है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी नंबर 31 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, बस एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए इंटीजर सॉल्यूशन कब मिलते हैं, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप कर लेंगे। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव द सॉल्यूशन 7, -9, बहुत आसान बात है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -9 रखिए, जहां पे LHS RHS बराबर नहीं आएगा वही इक्वेशन का सॉल्यूशन 7, -9 हो नहीं होगा, मतलब इसका मतलब है तीन ऐसे इक्वेशन है जो 7, -9 रखने से सेटिस्फाई हो जाएंगे और एक ऐसा इक्वेशन होगा जो सेटिस्फाई नहीं होगा। पहले में ही पुट करके देख लेते हैं, 7 और y जो हम रख दिया -9 और -9, x जो हमें कितना रख दिया 7 और +1, इतना करने पर अगर 0 आ गया तब तो सॉल्यूशन होगा, देखते हैं -63 +1, ये तो 0 नहीं आया, इसका मतलब कि 7, -9 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक आप और चेक करके देख लेते हैं, 3/2 और x कौन है भाई 7 है, और +5/4 y कौन है -9 है, और प्लस कितना करना 3/4, देखते हैं 0 आता है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 21/2 -45/4 और +3/4, इसको भी 4 बना लीजिए तो कितना कर देंगे 42/4 कर देंगे, 42 + 3 = 45, 45 - 45 यस 0 आ गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। ऐसे चेक करेंगे ये तीनों का सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन 7, -9 नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपको ना ये नॉट वर्ड नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डज नॉट हैव द सॉल्यूशन, नॉट हैव द सॉल्यूशन, कैंडिडेट कभी कभी करके आकर देता है इसको रैंडमली सेकंड पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, उसने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा तो कह देगा यस यही सॉल्यूशन है, तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते वक्त थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज का लेक्चर मैं ये समाप्त करता हूँ, आपको कैसा लगा जो है कमेंट करके बताइएगा जो है, और आपको पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच।